हेलो बच्चा लो, वेलकम टू द स्टडी स्टूडियो। टुडे वी विल डू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम राइटिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। Find the sum of first five multiples of 2. Find the sum of first five multiples of 2. First five multiples of 2. चलो जल्दी जल्दी करो, बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो मैं टाइमर लगा देती हूँ थोड़ी देर, तब तक आप लोग सम कर लो, इसलिए उतना टाइमर होगा वरना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट्स दिया है आपको। फिर मैं आपको समझाऊंगी। हाँ अंश, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी है, एपी का सेशन है। हम इसमें एपी के बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, ओके? चल लोग जल्दी जल्दी से ये सम करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके? स्टार्टिंग में थोड़ी इजी होगी ताकि आपको ये बूस्ट करे, फिर धीरे धीरे हम हार्ड लेवल्स तक भी जाएंगे। इस हेल्प से आप एग्जाम में टॉप पक्का करोगे, ठीक है? दैट्स माय गारंटी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, योर टाइम अप, टाइम इज गोइंग टू बी अप। 3 मिनट्स बाकी है, एज यू कैन सी, 3 मिनट्स 35 सेकेंड्स। Thank you.
नहीं साची, हम लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते हैं, बट इतने सारे मैसेजेस देखते हैं तो नहीं पे चला जाता है आपका मैसेज, मिक्स हो जाते हैं ना। ऐसा मत बोलो, देखो अब तुम्हारा नाम भी ले लिया, ठीक है? कैसे हो बोलो, ठीक हो ना? सब ठीक हो ना? चलो अच्छी बात है। बताओ एग्जाम्स कैसे जा रही है? अच्छी ना? वाह गुड। रिया, रिया, हाँ हाँ रिया बोलो। तुम्हारी प्री बोर्ड्स है? ओके करो तैयारी। देखो हम प्री बोर्ड्स के लिए ही सेशंस कर रहे हैं ये वाले, तो जल्दी जल्दी देखो ये सेशंस, सम्स करो। और आई डेफिनेटली से यू विल पास द एग्जाम्स विथ ग्रेट नंबर्स, राइट? नॉट ऑल्सो गुड मार्क्स विथ ग्रेट नंबर्स। You will get 75 up. It's my guarantee. But you need to be with me. Need to watch all the videos. Okay? Of class 10, obviously. Okay? Chal. Your time is going to end. Only 5 seconds are left. Okay? So now I'll explain you how we will do this sum. So पहले तो आप अपना आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? हाँ अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता दो, ये एक प्रीमियर सेशन है, ठीक है? तो पहले तो लिखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो अपने बुक में जिससे ये सम ना पाया हो वो, और दूसरे अपने सम्स चेक कर लेना, ठीक है? ये डार्क कलर हो जाएगा ना, रुको रुको। ये ले लो कोई बात नहीं। Answer ठीक है, तो पहले लिखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मेरा एरो जहाँ पर है वो देखो आप लोग और लिखो, ठीक है? आप सोचते हो गए आपके सारे स्टूडियो के टीचर्स ही ऐसे जो अपने फेसेस नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे बच्चों, प्राइवेसी है, ठीक है? टाइम आएगा जब दिखाएंगे, ठीक है? टाइम टू टाइम आप सब्सक्राइबर्स बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो पक्का, ठीक है? हम दिखाएंगे फेसेस, ओके? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर फिर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दो, वैसे ही ऐसे करके 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? और ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक ए बी फॉर्म कर रहा है, क्यों? इन सब का कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है? इसलिए ये ए बी फॉर्म कर रहा है। आई होप आपने बेसिक्स देख लिया होगा, बेसिक्स अभी तक पढ़ लिया होगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है? तो पहले तो A1 क्या होगा इसमें,
फर्स्ट टर्म ए वन इज द फर्स्ट, सॉरी क्यों लिखा गया, ए वन सॉरी इज द फर्स्ट टर्म विद इज टू ये, देन इधर डी क्या है, टू ही है, डी भी टू है, इधर ए एन क्या है, एल, ए एन इज इक्वल टू एल लास्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय ए एन विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एल एंड दैट्स 10 ओवर यू. मैंने एल क्यू लिखा, आज आगे सम देखो तो पता चल जाएगा. तो एस एन वाली फॉर्मूला लेंगे हम, एस एन अभी फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स है राइट, तो एस फाइव इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. ठीक है, एस फाइव इज इक्वल टू एन बाई टू, अब एन क्या लेंगे, फाइव लेंगे, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स है इसलिए. इधर ए हमारा है टू, एल क्या है, टेन है. ठीक है, प्लस टू ट्वेल्व. अब सिंपल है, टू को कट करो, टू सिक्स ट्वेल्व, तो फाइव इंटू सिक्स क्या होगा, अब थर्टी. तो आपका आंसर क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर्स आ गया आपका, क्या आया देखो, थर्टी. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स नोट डाउन किए, लिखा वो एपी में है, ए वन क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, वो सब लिखा. फिर हमने एस एन वाली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया, फिर हमारा आंसर आ गया. सिंपल है बच्चों, है ना. तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से. ओके, कैसा क्वेश्चन चाहिए आपको, हार्ड वाला चाहिए अभी से? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तो दे दूंगी बच्चों, बट आप लोग करोगे, आई नो मेरे बच्चे तो कर सकते हैं, है ना. चलो, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वैसे तो इजी है, बस आपको ये क्वेश्चन समझ में दिक्कत होने वाली, और कुछ नहीं, बस इजी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है. करो करो, मैं रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन एक बार, सुन लो ध्यान से सुनना. हाँ, the nth term of an AP is 7 minus 4n, then what is the common difference? ये question बोल रहा है, एक nth term है AP का जो 7 minus 4n है. ठीक है, तो इसका common difference क्या है वो आपको ढूंढना है. इतना दिया है आपको, आप जल्दी से try करो ये question. एक मिनट, मैं टाइमर सेट कर देती हूँ. ठीक है, तो मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, और हो तब तक इजी क्वेश्चन है, राइट. एक मिनट, आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों, सो क्लास शायद जल्दी खत्म हो आज. ठीक है, मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगी टेलीग्राम पर. ओके, इनवाइट लिंक आपको मिल जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है.
चलो जल्दी जल्दी सम करो। से मैं आपको सम्स दूंगी और तुरंत ही सॉल्यूशन दूंगी, आप साथ साथ में सम कर सकोगे, क्योंकि अभी आप देख सक रहे हो अभी तक 15 मिनट 15-20 मिनट हो गई है और सिर्फ 2 सम हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपको मैं थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा टाइम दूंगी। ठीक है, हिंट देती रहूंगी, आप सम करते रहना, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सम के मुताबिक करेंगे, आंसर्स लाएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन दूंगी, बट आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज है, सो वी विल ट्राई इफ वी कैन डू क्वेश्चन नाइसली, एंड इफ द इश्यूज आर कंटिन्यूअस वी विल स्टॉप द क्लास एट आफ्टर सर्टन टाइम। ओके, आई लेट यू नो, मिनिमम 10 क्वेश्चन वुड बी डन एज पर मी, बट लेट्स चेक इट आउट। ओके, टिल देन डू दिस क्वेश्चन। Let me read the question once again. The nth term of an AP is 7 minus 4n. Then what is the common difference? तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल ही जाएगा ना, सिंपल है, AP है तो एक ही डिफरेंस है तो सबका। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। So now I am pausing the time. It's enough, I think, for you. It's enough. So, ready to check your answer? Okay. So let's get started. लेट मी डू वन थिंग, पहले तो आप ये 7 माइनस 4n लिख दो इधर ऐसे। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ठीक है, तो हम इधर nth टर्म तो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, n की जगह हम जैसे वन लग, हिट एंड ट्रायल मेथड आपने देखा है राइट, ट्रायल एंड एरर मेथड वैसे ही टाइप किया है, वैसे समझ लो एन की जगह वैल्यूज रिप्लेस करोगे। अब पुटिंग वन इन द प्लेस ऑफ एन, ओके वैसे लिखना, अभी तो डायरेक्ट हो रहा है। 7 माइनस 4 3, तो आपको एक चीज मिल गई राइट, फर्स्ट 3, आपको क्या मिला, ए वन मिला, ए ए वन। ठीक है, इधर इधर नीचे तो तुमने मान लियो ए वन है ना, આવી જ રીતે આપણે શોધીશું ए टू, तो आमा एन नी जगह मुकीसु शू, एन नी जगह मुकीसु टू, वी विल पुट द वेल्यू ऑफ एन एज टू एंड वी विल गेट -1 विच इज इक्वल टू ए टू। सो वी गॉट द ए टू, द वेल्यू ऑफ ए टू, ए टू मीन्स सेकेंड नंबर। ठीक है,
બીજો નંબર, સેકન્ડ નંબર. ઓકે, મળી ગયું. કાર શું હતું? ઇટ વોટ વોઝ ઇટ? તો આપકો એ ટુ ઓર એ વન મિલ ગયા. તો સિમ્પલ હૈ, દેખો એપી મેં કેસે હોતા હૈ, 3, 6, 9. તો ઇન સબ કા કોમન ડિફરન્સ હોતા હૈ. તો કેસે હમ ડિફરન્સ નિકાલતે હૈ એસે નંબર્સ કા? ઇસકો 6 કો 3 સે માઇનસ કરકે હમે ડિફરન્સ મિલતા હૈ ના, વૈસે હમ ઇધર કરેંગે. ઠીક હૈ, તો અભી ક્યા કરેંગે? ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, લિખો, ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ए टू माइनस ए वन. सिंपल है, देखो ए टू माइनस ए वन. तो फिर आपको डी तो मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया समझ लो. ठीक है, इजी है, बस क्वेश्चन समझ नहीं दे रहे आपको. ए टू माइनस ए वन, तो आपका आंसर क्या आया डी का? माइनस फोर. जिसका भी आंसर राइट हो गुड, अच्छी बात है, और जिसका भी रॉन्ग हुआ हो और नहीं आ रहा हो अभी भी, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो. ठीक है, ओके. तो मैं आपको दूसरी पेन से दिखाऊंगी अब, ठीक है, समझाऊंगी. हाँ, तो 7 माइनस 4 n दिया है आपको nth टर्म. ठीक है, वैसा बोला है इन लोगों ने. ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन ही रीड करोगे अभी के हम लोग. पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, ध्यान से रीड करो, समझो और फिर देखो आंसर. 7 माइनस 4 n n टर्म दिया है, हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो पहले हमने n की वैल्यू में 1 रखा. क्या रखा? n की वैल्यू में 1. तो 7 माइनस 4 n की जगह क्या हो गया? 7 माइनस 4 into 1. और वैसे ही हमने 2 रखा n की वैल्यू में. वैसे हमें a1 और a2 मिल गया, और फिर a2 माइनस a1 करके हमने क्या किया? डिफरेंस फाइंड किया. क्या किया? डिफरेंस. ठीक है, हाँ, तो माइनस 4 आ गया. ना पा रहा हो तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप लोग वीडियो. देखो मैं एक बार और बता रही हूँ, हमने 1 की वैल्यू रिप्लेस की, n की वैल्यू रिप्लेस की, और इधर भी n की वैल्यू रिप्लेस की. कैसे? इधर 1 से और दूसरी इक्वेशन में 2 से, दो आंसर मिले हमें. a1 इज इक्वल टू 3 और a2 इज इक्वल टू माइनस 1. तो उन दोनों को माइनस किया a2 माइनस a1 करके. ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 क्या आंसर होगा? माइनस 4. ठीक है, वेरी गुड. चलो आपके लिए एक स्माइली. या गुड. चलो नेक्स्ट. हो नेक्स्ट नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन दूँ? हाँ, देती हूँ. अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं बोल रही हूँ वो सुनना आप लोग, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है. 10th क्वेश्चन है एक चीज का, दिखा रही हूँ. हमारा 10th क्वेश्चन नहीं है, एक बुक में 10th क्वेश्चन है. एक एपी है. इट इज एन एपी. रुको, ठीक है, लेटर्स है बी सी टू बी और सो ऑन. हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ बी एंड सी. ठीक है, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, लिख रही हूँ मैं इधर. रेशियो ऑफ बी एंड सी. ठीक है, इजी क्वेश्चन है.
आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला है जिससे इजी हो जाएगा, वो फॉर्मूला अक्सर करेंगे हम। ठीक है चलो आंसर जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी, समझ लो। चलो दो बार समझाऊंगी, ठीक है ना, समझ आए तो बोलना, पूछना मुझसे। चलो मैं समझाऊंगी वापस। पहले तो क्वेश्चन देखो, देयर इज एन ए पी बी कॉमा सी कॉमा टू बी एटसेट्रा एटसेट्रा, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। ए पी है वो दिया है आपको, ठीक है, ए पी है, ठीक है। तो ए पी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो क्या देखो, और एक फॉर्मूला भी दी है हमें कि ए वन और ए थ्री बाय टू करे, इन दोनों का प्लस करके तो हमें मिलता है मिडल टर्म, है ना। तो इधर ए वन क्या है वो लिख देते हैं पहले, बी है, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, तो भी लिख देते हैं, चलो कोई बात। ए टू है हमारा सी, इसका पार्ट टू जल्दी आएगा इस वीडियो का, ठीक है। ए थ्री है टू बी, तो अब लिखो मिड टर्म फाइंड करने की ये फॉर्मूला है, ए वन प्लस ए थ्री बाय टू विच इज इक्वल टू बी प्लस टू बी बाय टू। पर इधर हमें पता है कि हमारे पास तो मिड टर्म दिया हुआ है सी, तो वो इधर लिखो आंसर, तो लिखो ही उसका। तो हमें बी और सी का ही रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखेंगे बताए, थ्री बी बाय टू सी, क्या किया मैंने देखो, ये सी को हम लाए इधर, ठीक है, हाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, नीचे डिवीजन में जाएगा और नीचे को मल्टीप्लाई करेगा वैसा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाय सी इज इक्वल टू टू बाय थ्री, है ना। तो आपको रेशियो मिल गया, क्या है रेशियो देखो, मैंने लिखा इधर बी इज टू सी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री, ठीक है, रेशियो हो गया ये। देखा आंसर, ठीक है। चलिए ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है, हम बारी बारी एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये वाला करें, चल एकदम अच्छे से वो टूशन से ये कर लेते हैं। क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ आ गया। तो मैंने इधर क्वेश्चन डाल दिया है आपका, ये लो अब तो रीड कर पा रहे होंगे। ये क्या है भाई, बड़ा नहीं हो सकता ये, कोई बात नहीं।
चलो रीड तो कर पा रही हो ना. ऐसा लिखा है, इन द एपी 2x and 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सिंपल क्वेश्चन है, इन सब में कॉमन डिफरेंस होता है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स. क्या थी डी फाइंड करने की फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम लगा रहे. ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू इक्वल ही होंगे ना, वैसा ए पी हो तो. इसलिए ऐसे इक्वल लिखा हमने एक्स की वैल्यू के लिए. तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2. ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल. हेलो हेलो हेलो, मैं चेक कर लिया. ओके आई विल चेक इट. इन द एपी 2x 2x फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. माई टेस्टिंग. हेलो 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 हेलो. ओके आई एम ऑडिबल राइट. सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 28. ठीक है, तो x क्या होगा, 28 बाई 2 होगा ना. कैसे, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू किस साइड लाए तो क्या जाता है, डिविजन में चला जाता है. ठीक है, तो 14 आ गया आंसर. सो हमारा x का आंसर 14 है. देयरफॉर x इज इक्वल टू 14. ठीक है, गुड. चलो नेक्स्ट लिखती हूँ. ओके सो ये रहा आपका क्वेश्चन. फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 3x plus y. a1 3x plus y है एंड कॉमन डिफरेंस इज x माइनस y. डिफरेंस क्या है, x माइनस y. डिफरेंस क्या है, एक्स माइनस वाई. चलो जल्दी से आंसर लाते हैं हम लोग इसका. थिंक अबाउट योर आंसर्स. मैं दूसरा क्वेश्चन देख कर रखती हूँ. हाँ, तो एक चीज कॉमन है हर एक. आपका ए वन दिया हुआ है राइट, तो ए टू क्या होता है, ए प्लस डी होता है ना. ए टू क्या होता है, ए प्लस डी. बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा, रुको हम चेक कर रहे हैं साथ साथ. ए प्लस डी होता है ए टू. हाँ, तो हमारा ए क्या है इधर, 3x प्लस वाई, और डी क्या है, एक्स माइनस वाई है ना. तो डी लिखो इधर, एक्स माइनस वाई. मेरे साथ करो तो ही पता चलेगा तुम लोगों को. ठीक है, तो करते रहो साथ साथ में सब. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लाइव चैट में भी लिख सकते हो. Thank you.
ब्रैकेट ओपन करो, फिर आंसर लिखो इधर. 3x प्लस एक्स 4x प्लस वाई तो नहीं होगा क्योंकि y माइनस वाई हो जाएगा. सो हमारा a2 क्या आया, 4x है ना. अब हम फाइंड करते हैं a3, वो भी सिंपल है. a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a प्लस डी और a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d है ना. कितना सिंपल है. तो फिर क्यों डर जाते हो क्वेश्चन देखकर. तो इधर a की वैल्यू लिखो, 3x प्लस वाई हाँ प्रिया तुम्हारा आंसर सही है. स्टेप्स एक बार देख लेना पर हाँ ठीक है कि आपने स्टेप्स ऐसे ही लिखे हैं ना. वापस ब्रैकेट ओपन करो, 2x माइनस 2y ठीक है इतना आया. तो 3x प्लस 2x 5x होगा है ना. तो वो लिखो पहले तो, फिर 2y माइनस y माइनस 2y प्लस y तो क्या आएगा आंसर, माइनस y 5x माइनस y. ये कौन सा है आपका a3 ठीक है. और अब a4 a प्लस 3d है ना. राइट बच्चों अब क्या बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. सिक्स एक्स माइनस 2y आना चाहिए आपका a4 ठीक है. तो अब एपी के फॉर्म में लिख दो इसको कैसे, रुको लिखते हैं. a1 आपका है 3x. हाँ m कौन से एंगल से लग रहा है इन लोगों को. ये x हाँ आगे 3 ए भी लिख देती हूँ कौन से कलर में. चलो तो एवी पहले 3x प्लस वाई लिखो, फिर 4x लिखो, 5x माइनस वाई लिखो और वो लिखो ठीक है. हो गया आपका ए भी फॉर्म. चलो वो सब तो आप लिख रहे होगे राइट. हम जाते हैं नेक्स्ट. हाँ तो मैं आपको कौन सा सम दूँ वो सच रहे. I'm sorry for the background noise. Mm-hmm.
आपको दिया है 825। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। सॉरी, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड, है ना। नहीं, तो ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर, रुको मैं देख कर बोल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, भी लिख रहे हैं नो। नहीं बैठ, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस if a25 minus a20 is equal to 45, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। पहले तो 825 क्या होता है वो लिखो। a प्लस 24d, है ना। यही फॉर्म में हम इधर एलिमिनेशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग वाली, है ना। तो फिर लिखो 825, ब्लू पेन से नहीं, और कोई पेन से लिखो, ब्लू पेन क्या बोल रही हूँ मैं आपको, सॉरी। तो 825 मतलब a प्लस 24d होता है ना। ऐसे तो नहीं लिखते हैं, देखो। माइनस ए प्लस, ए 20 है तो ए प्लस क्या लिखोगे हम, 19d, ए प्लस 19d, राइट। तो क्या दिया है, इज इक्वल टू 45। ए 25 माइनस ए 20 इज इक्वल टू 45 दिया है। तो ए माइनस ए तो कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 24, एक मिनट, ऐसे माइनस ब्रैकेट में होगा, भूलना मत। तो ए माइनस ए और 24 माइनस 19d क्या होगा, 5d आएगा, है ना। 5d आएगा, विच इज इक्वल टू 45, ठीक है। विच गिव्स डी इज इक्वल टू 45 by 5, which is equal to 9. तो आपका difference आया 9. Therefore, D is equal to 9. Okay, happy? You got the answer, right? Got it. You want one more question? Two more questions? Okay. Let me try if I can give you. Okay? If time pursues, I'll give you. Chalo.
एक दे देती हूँ तब तक, और टाइम बचा होगा तो दूसरे दूंगी, ठीक है? तो मैं आपको कौन सा दूँ क्वेश्चन, वो देखती हूँ। ये वाला मैंने आपको दे दिया। आपको क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी एपी विच इज √7 √28 √63। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो पूछा है आपको, ठीक है? चलो इजी क्वेश्चन ना। तो देखो, पहले तो इसको सिंपलीफाई करो। एपी जो दिया है उसे, ठीक है? तो √7 का तो √7 ही रहेगा। फिर √28 का क्या होगा? √7। √63 दिया है तो √3। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस की, ये A1 है √7, A2 है √7, A3 √7, तो A4 क्या होगा? A4 की एक फॉर्मूला होगी A+3D, है ना? तो वो ही फॉर्मूला में ये सब पुट करेंगे हम। पहले आप डिफरेंस देख लो, A1 क्या है हमारा वो लिखो पहले, √7। डिफरेंस क्या है? √7, दोनों √7 है ना? √7। तो A4 की फॉर्मूला है A+3D। A4 मतलब फोर्थ टर्म बचा, ओके? तो A की वैल्यू और D की वैल्यू को पुट करो इधर, तो √7 प्लस 3 × √7, सो √4 आ गया आपका आंसर। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है √4। ठीक है, विच वुड बी, हमें ये वाले फॉर्म में ही लिखना होगा ना वापस, वैसे टाइप के फॉर्म में, तो हम वैसे लिखेंगे। 4√7 क्या होता है? रूट, किसका रूट होता है देख लेते हैं ना। चलो दूसरी पेन लेते हैं, देखो ऐसे ऐसे ही कर दे कोई भी। 4 और 7, 4 4 16, 16 7
16 sentences. वन वन टू का रूट, ठीक है, तो वन क्वीन वॉज आस्किंग टू गिव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एपी. It's okay, I'm giving you. Note down. An is equal to A plus N minus 1D. An मतलब last term, ठीक है? Where ए एन, इधर तो बिकॉज की साइन लगा दी मैंने, बट आप मिक्स ना करो इसलिए, इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म. ठीक है, फिर मिड टर्म, मिड टर्म वैसे नहीं पता चलेगा आपको. ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री बाय टू. ये डी थ्री लग रहा है ना. हाँ, फिर एस एन की दो फॉर्मूला है, एन बाय टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी और फिर ब्रैकेट क्लोज. Sn is equal to n by 2 into a plus l. a 2 is equal to a plus d. a 3 is equal to a plus 2d. a4 is equal to a plus 4d. एक एक d ऐड करते जाओ, ठीक है, उसका मतलब वही है. आगे a4 लिख देती हूँ, बाकी आप तो पता चल ही जाएगा आपको. d4 नहीं है ये, a4. ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी. और कोई फॉर्मूला, हाँ डिफरेंस की, चलो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए पी में, सिर्फ ए पी में, only for AP. A
ये फॉर्मूलास एपी के लिए ही है। ठीक है, वो मैंने आपको और कोई फॉर्मूला नहीं है ना, और कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है एपी का फुल फॉर्म, कोई बात नहीं बता देते हैं। लिख भी नहीं पाएगी। सॉरी, नहीं लिख पा रहे बच्चों, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ ना आपको। लो, हो गया। सब्सक्राइब टू स्टडी स्टूडियो, प्लीज लाइक आ वीडियो। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलना, वरना दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा, मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हम तो अपलोड करते रहेंगे, है ना। और हाँ, सब्सक्राइब तो करो यार बच्चों, तो मैं लाइव सेशंस भी ज़्यादा लूँगी। ठीक है, स्टडी स्टूडियो के दूसरे टीचर्स भी वेट कर रहे हैं कि आप जब 100 सब्सक्राइबर्स मिनिमम हो जाए तो दूसरे टीचर्स भी टीचिंग स्टार्ट कर दे। ओके, सो बाय फॉर नाउ। सब्सक्राइब आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अ वीडियो। अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजना, ठीक है।